हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक और स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। ये स्कॉलरशिप जो है वो जियो दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्री जो ग्रुप है वो स्कॉलरशिप देने वाली है। फिलहाल अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी और भी इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो आएगी उसके बारे में जब ये आएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें कितने कितने आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आप सबको बताता हूँ। इसमें 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सभी के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप है, अलग अलग स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहले हम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 35,000 पर ईयर मिलेगा, और इसमें लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें आपका 70% मार्क्स होना चाहिए अगर आप स्टेट बोर्ड से पास आउट हैं, और आपका सेंट्रल बोर्ड से अगर है तो आपका 85% होनी चाहिए। आप देखते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में आपका कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। 11th स्टैंडर्ड में भी आपको 35,000 पर ईयर मिलेगा, और इसमें जो कंडीशन है वो है 70% मार्क्स स्टेट बोर्ड के लिए और 85% मार्क्स होने चाहिए ICSE और सेंट्रल बोर्ड के लिए। फिर आपका 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में आपका जो स्कॉलरशिप डिसाइड किया गया है वो है 45,000 रुपीज़ पर ईयर। आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 65% मार्क्स अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, और अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो आपका 80% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो कितनी है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिलेगा 52,000, और इसके लेने की जो क्राइटेरिया है मोर देन 75% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का स्कॉलरशिप अमाउंट है 55,000 पर ईयर, और इसमें कंडीशन है जो कि 75% फाइनल एग्ज़ाम में होनी चाहिए आपके। तो ये थे सभी स्कॉलरशिप के डिटेल्स और इसके लेने की क्राइटेरिया थी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका मार्क्स और आपका परसेंटेज इसमें मिलता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप इसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल मेरा मानना है कि आप जियो के सेंटर में जाकर ये स्कॉलरशिप फॉर्म ले सकते हैं और वहीं पर भर के दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता दीजिए। ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी अपडेट रहे। हमारे चैनल टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नीचे बेल आइकन दिया है उसे दबा दें ताकि ऐसे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।